दोस्तों, किंग खान की जवान फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर हर दिन सोशल मीडिया पर खबरें चलती रहती हैं। वहीं फैंस भी शाहरुख खान को दोबारा जवान के विक्रम राठौड़ वाले अवतार में देखना चाहते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। शाहरुख खान फैंस का कहना है कि ये लुक शाहरुख की जवान 2 में हो सकता है। वहीं दोस्तों, डायरेक्टर एटली ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो शाहरुख खान और थालापति विजय को लेकर एक और फिल्म बनाना चाहते हैं। दोस्तों, पिछले साल यानी 2023 की हाईली ग्रॉसर फिल्म जवान पहले नंबर पर रही हैं, लेकिन अब खबर सामने आती है कि डायरेक्टर एटली ने जवान पार्ट 2 पर काम चालू कर दिया है। दोस्तों, पठान ने पिछले साल 1050 करोड़ और जवान 1150 करोड़ रुपए कमाए, जो बॉलीवुड का नया रिकॉर्ड बन गया। लेकिन अब दर्शकों को शाहरुख खान की अगली फिल्म का इंतजार है। एटली इस बार जवान 2 को बड़े हॉलीवुड लेवल पर बनाने वाले हैं, इसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं फिलहाल शाहरुख की डंकी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी तबाही मचा रही है। अलग ही क्रेज है। डंकी हार्डी और उसके 4 दोस्तों की कहानी है जो लंदन जाना चाहते हैं ताकि अपना करियर बना सके, लेकिन लंदन जाते जाते ही उनके हालात खराब हो जाते हैं। वहां जाकर उनको पता चलता है कि अपना देश ही सबसे अच्छा है, लेकिन अब वापस आने के लिए उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डंकी में शाहरुख के अलावा विक्की कौशल, तापसी पन्नू, बोमान ईरानी और विक्रम जैसे बेहतरीन एक्टर हैं। वही दोस्तों, डंकी हर दिन नए नए रिकॉर्ड बना रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नजर आ रही है। दोस्तों, फिल्म की पहले झलक ने ही दिखा दिया है कि शाहरुख खान एक्टिंग के बादशाह है और वो किसी भी तरह फिल्म में किरदार को पकड़ कर रखते हैं। बाकी डंकी की कहानी ही इसकी ताकत है और फिल्म भी काफी मस्ती वाली नजर आ रही है। अब सालार के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। सालार और डंकी की जबरदस्त टक्कर के बीच पूरा सोशल मीडिया पर माहौल बना हुआ है। वही डंकी एक क्लासिक फिल्म है, जैसे पीके और 3 इडियट्स थी, और वो फिल्में रिकॉर्ड बनाकर गई थी।